सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज की मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सएप जीबी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, एफएम व्हाट्सएप हो, कोल्ड गोल्ड व्हाट्सएप हो या फिर कोई सा भी व्हाट्सएप हो, ठीक है, उसको आप अनबैन कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको इस वाले वीडियो में दिखाने जा रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे एक नंबर बैन था, हमने चालू किया, ठीक किया, आपके सामने दिख रहा होगा, चल रहा होगा, लेकिन बात कीजिए आपको काफ़ी ध्यान से मेरी बातें सुननी है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप जीबी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, फिर कोई सा भी नंबर हो, आप अनबैन कर सकते हैं यूँ के यूँ, ठीक है, जानकारी देंगे बढ़िया, क्योंकि बात कीजिए हमारा एक्सपीरियंस है एक साल का अनबैन करने का, बताते हैं बातें आपको, जानकारी देते हैं बढ़िया, ठीक है। आपको एक काम करना है, आपको इस तरीके से आ जाना है स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको एक जो तरीका बताएंगे, आपको बताएंगे तरीके दो, हम बताएंगे तरीके दो बताएंगे आपको, आपका काम हो जाएगा, नंबर चालू हो जाएगा, इस तरीके से बातें बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको एक काम करना है कि आपको पहले व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में जाएंगे, देखो व्हाट्सएप जी वाले या फिर व्हाट्सएप वाले सबके सब एक ही काम करेंगे, ठीक है, पहले व्हाट्सएप में जाएंगे, ठीक है, पहले आप जाएंगे व्हाट्सएप में, ठीक है, व्हाट्सएप जी वाले तुम्हें कह रहे हैं पहले आप ऑफिशियल व्हाट्सएप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उससे आप अनबैन करना, उसके बाद में व्हाट्सएप जीबी बाद में चलाना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में व्हाट्सएप ओपन करें, ओपन करने के बाद में यहाँ पे नंबर डालेंगे, देखिए यहाँ नंबर डाला, नंबर डालने के बाद में नंबर बैन आ रहा है आपके सामने, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ऐसे कि आपने देखा होगा पीछे, जो आपने पीछे देखा होगा कि मैंने नंबर चालू किया था आपके सामने, आपको लाइव दिखाया था, और ऐसी बात नहीं कि मैंने चालू नहीं किया, तो मैंने इतने चालू किए, इतने चालू किए, पूरे यूट्यूब जाके चेक कर लेना, अपने वीडियो से इतने पढ़े हैं, जहाँ बात की जाए नंबर अनबैन बहुत किए हमने सबके सामने करे हैं, तो ये बता रहे हैं आपको, वीडियो का भी ध्यान से देख लेना, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बातें आपके सामने आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम ये करना है कि आपको अपने WhatsApp में इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है, जो रजिस्टर्ड नंबर आता है इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, जैसे कि हमने इस पे नंबर डाला, रुकिए एक मिनट रुकिए, ठीक है, जैसे कि हमने नंबर डाला ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ने के बाद में आपको कम से कम, आपको कम से कम एक हफ्ते का वेट करना है और नंबर चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने रिक्वेस्ट रिव्यू आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा, तो कम से कम आपके जो इस तरीके की दिक्कत होती है कम से कम 15 दिन में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट रिव्यू आएगा, मेरा आपको एक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके देख लेना, रिक्वेस्ट रिव्यू का स्टिक करते हैं और वही जो तरीका है इसमें डाल देना, काम आपका हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका आपके सामने ये रहा, बहुत जरूरी आपको हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक तरीका और सुनिए जो कि काफी बढ़िया है, आप बताते हैं वीडियो में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने आपको व्हाट्सएप को एक ईमेल करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ये वाला जो सॉल्यूशन नोट है, लिख देंगे, उसको कॉपी कर लेना या फिर लिख लेना अपने हाथों से, ठीक है। उसके बाद में आपको एक काम करना है, एक काम करने के बाद में आपने अगर ऐसे छोड़ दिया है, रजिस्टर नंबर करके छोड़ दिया, कोई वाली बात नहीं है, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने आना आएंगे, आप आएंगे प्ले स्टोर में, आएंगे प्ले स्टोर में, आएंगे आप प्ले स्टोर में आएंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप जाइए व्हाट्सएप सर्च मारिए, व्हाट्सएप सर्च करने के बाद में आपके सामने व्हाट्सएप आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा व्हाट्सएप के अंदर, क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद में नीचे जाएंगे, इस तरीके स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आएगा ऐप सपोर्ट, ऐप सपोर्ट आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे, और यहाँ पर आपके सामने आएगा ई मेल, ई मेल जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है, आपके जो सामने जो है यहाँ पर इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आप WhatsApp टीम को जो मैसेज है यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, और आपकी बातें पूरी यहाँ पे लिख देना। एक काम करना, मैंने जो लिखा है वो लिख देना, उससे जब उससे मतलब बहुत जल्दी जल्दी होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है, चालू होने की नंबर की, ठीक है जी, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है, ऊपर आ रहा सेंड वाला, सेंड कर देना इस तरीके से। आपको पहले एक काम करना है, आपके सामने जो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है ऐसे इसको रहने देना है, इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट भी मिलेगा, आपको मैंने बातें बता दी आगे, काफ़ी ध्यान से आप समझ चुके होंगे, सही तरीके से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक और काम करना है, आपको एक और काम करना है जो कि बढ़िया है, ये भी कर लेंगे तो और ज़रूरी होगा। जैसे कि यहाँ पे बात कीजिए, जो आपने ईमेल भेजा है जो कि मैंने बताया प्ले स्टोर से, इसको आप भेज सकते हैं, लेकिन बात कीजिए अगर आपके सामने आपको एक और काम कर सकते हैं तो व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा छोड़ दिया है तो इसको आप
करना, रजिस्टर न्यू नंबर पे नीचे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे आपके सामने तीन डॉट दिखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हेल्प जाएंगे, हेल्प वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपके सामने आएगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है आपकी वो लिख देंगे, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी मिलेगी, बात खत्म, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप काफ़ी ध्यान से जो बातें समझ जाएँ, काफ़ी ध्यान से समझते जाएँ, ठीक है। आपको जानकारी बड़ी देने चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने नीचे आएगा डजंट आंसर माई क्वेश्चन, दिस डजंट आंसर माई क्वेश्चन, नीचे आपके सामने आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा दोबारा से, तो यहाँ पे आपके सामने जो आपकी पूरी फोन की जो डिटेल होती है पूरी चली जाएगी कि भाई ये नंबर जो फोन में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इसमें रजिस्टर्ड न्यू नंबर आ रहा है, इसको फटाफट इसको रिक्वेस्ट रिव्यू करें और आपको कुछ दिन बाद रिक्वेस्ट रिव्यू आएगा इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, काफ़ी बढ़िया देना चाह रहे हैं, आपको जानकारी बढ़िया मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा सेंड वाला ऑप्शन, आएगा सेंड वाला, तो सेंड इस तरीके से करेंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे, सेंड हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे आप आपको आना है, अग्री कंटिन्यू करना है, करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद में थोड़ा इस तरीके से बातें, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद में और यहाँ पे आपके सामने जो है, यहाँ पे जो नंबर जो आपने दिया है, ठीक है, वो नंबर जो है, आप जो नंबर जो दिया आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वो नंबर इसी तरीके से डाल के छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो आपके सामने पूरी बातें आपके सामने रही, आपको बताई हमने, आपको एक और काम करना है, आपको एक और काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात की जाए आपको एक काम ये करना है कि आपको पहले YouTube खोलना है। YouTube को ओपन करेंगे, YouTube को ओपन करने के बाद में, ठीक है, ऊपर आप सर्च मारेंगे, इस तरीके से तुम्हें बता रहे हैं बातें, टैग जो मेरे चैनल का नाम है सर्च मारेंगे, टैग हर्षित नाम सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद में इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में और देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से आएंगे, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा पूरे यूट्यूब पर अनबैन, ना हो तो देख लेना एक बार, ये रहा देख सकते हैं, ये रहा भाई ऐसा वीडियो बनाए कि भाई आपको कोई बताएगा नहीं ऐसी बातें। और यहाँ पे आपको जितने वीडियो से 3-4-5 इसको देख लेने, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बात की जाए आपको पूरे यूट्यूब पे, जाके रोएंगे, वहाँ पे आपके नंबर अनबैन होने की संभावना होती हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े केसेस में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए तुमको बताने की इतना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो जाके, वो आपके लिए ज़रूरी है। हमारे जो जो हमारा देखो एक्सपीरियंस है 1 साल का अनबैंड करने का, चालू नंबर करने का, तो आपको ऐसी बातें हम बता रहे हैं और इतना आपके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि बात की जाए हमारी जो बातें हमारी वीडियोज़ हैं सबसे अलग हैं पूरे यूट्यूब से, पूरे इंटरनेट से, पूरे गूगल से, क्योंकि बात की जाए हमारी जानकारी है और हमारा एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपको बता रहे हैं बातें और आपको जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी बातें आपको मैंने बताई, वीडियो काफ़ी ध्यान से पूरे पूरे देख लेना जाके, बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से भी आपका नंबर अनबैंड हो जाएगा और आपके सामने मैंने पूरी बातें यहाँ पे बता दी हैं। जिसने देखा सही तरीके से वो खुश, जो नहीं देखा सही तरीके से वो रोएगा, पूरे यूट्यूब पे रोता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते रहिए।